गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी विच असी जदों पाठ करने खां जिथे गुरु साहिब जी दे अपने अमृत बचन ने छे पातशाहियां दे अमृत बचन असी गुरु ग्रंथ साहिब चो पढ़ने खां गुरु नानक साहिब जी गुरु अंगद देव जी धन गुरु अमरदास गुरु रामदास जी गुरु अर्जुन देव जी और अमृत बाणी विच गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज उन्हां दे अमृत बचन भी आपां पढ़ने खां। उत्थे भट्ट साहिबान जी दी बाणी गुरसिखां दी बाणी ते गुरमुखो उत्थे 15 भगत जिहड़े ने उन्हां दे पवित्र बोल अमृत बचन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच दर्ज ने। आरंभ विच थोड़ा जिहा भगत शब्द संबंधी भावां के ये शब्द तनासरी राग विच कबीर साहिब जी का आखिरी शब्द है। इस उपर सरलेख नहीं कि बाणी भगत कबीर जी की, क्योंकि आरंभ विच गुरदेव ने सरलेख दे दिता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च 15 भगत साहिबान जी ने, असल विच कुछ भगत ऐसे ने कि जेड़े गुरु नानक साहिब महाराज जी तो भी पहला होए ने। उस विच जिवें असी भगत जय देव जी बारे शेख बाबा फरीद साहिब जी बारे पढ़ने खां, ये दोनों महापुरख भगत जेड़े ने तकरीरन शब्द वरतां कि गुरु नानक साहिब महाराज जी तो आरबला करके आरजा करके उम्र करके तकरीबन 300 साल पहला होए। भगत जयदेव जी बंगाल विच ने, बाबा फरीद साहिब जी वो पंजाब की धरती ते ने। मेरे कहण तो मुराद कि गुरु नानक साहिब जी ने एक बख्शिश की, इस जोत ने एक गल दस दिती कि परमात्मा की भगती करन वाले आदि जुगादी भगत तुरे आ रहे हैं। इस गल नूं तां मैं अर्ज कर लगा, यह नहीं कि हजूर ने कहा कि साडे आउण तों ही परमात्मा की भगती शुरू हुई। महाराज कहिंदे असल च जिस सच नूं जपन लई असीं कह रहे हैं, जिस सच का सिमरन कर लई आपां कह रहे हैं, आदि सच, आदि सच का अर्थ जदों सृष्टि का आरंभ होया उस पार ब्रह्म परमेश्वर की खोंद इस सृष्टि के आदि तो भी पहला है। जुगाद सच, जदों समा भी नहीं सी बनिया परमात्मा की खोंद समय तो भी पहला, जुगादर ते जुगां दे आदि तो पहला। आदि सच, जुगाद सच है भी सच, अज भी वह सचा साचा परमात्मा है। नानक होसी भी सच, आउण वाले समय विच भी वह सच रहेगा। सुनो जिहड़ी बेनती दास कर लगा है कि इहदा मतलब वह सच सृष्टि के आरंभ तो पहला, वह सच समय तो पहला, वह सच अज भी है, वह सच आउण वाले समय विच भी रहेगा। वह आदि सच, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। दरअसल सतगुरु उस सच नूं बाणी दे आरंभ विच एक ओंकार कह रहे हैं जिहड़ा सदीव कार रहण वाला है। हजूर गुरु नानक साहिब जी ने कृपा की, उन्होंने जिथे जिथे भी परमात्मा की भगती वाले मिले, जिहड़े सचमुच उस परमात्मा के शब्द विच अभेद सन, गुरदेव ने उन्हां दे अमृत बचन जिहड़े ने वह सारे एकत्र कर लए। गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने रामसर दे अस्थान ते उन्हां सारियां पोथियां नूं एक थां ते इकट्ठियां कर दिता, जिन्हों असी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहने खां। इस शब्द नूं फिर आप जी सुनियो कि गुरबाणी विच एक तां जात दे आधारित कोई गल नहीं कीती गई। इहदा मतलब यह नहीं कि फलानी जात विच कोई पैदा होवे ते भगती नहीं कर सकता, जिवें पुरातन मनौत सी कि शूदर भगती नहीं कर सकता, शूदर धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ सकता। गुरु साहिब जी ने सब तो पहला बख्शिश कीती, कहन लगे जात कोई भी होवे, इंसान दी बिरादरी कोई भी होवे, वह किसी भी कम्यूनिटी नाल संबंध रखता होवे, जिदे अंदर परमात्मा दी बख्शिश हो गई,
ਉਹ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੱਬ ਵੇਦੇ ਚ ਅਭੇਦਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਕ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਕ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਸਹਿਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੰਭ ਚ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ। ਹੁਣੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਚਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੋ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਭਗਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਹਰ ਯੁਗ ਯੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਧਰਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁੱਖ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਰ ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਵੀ ਭਗਤ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵਈਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉੱਤਰ ਆਇਓ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ ਵੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਭਜ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ, ਛੱਡੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਿਰਾ ਭਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਅੱਖਰਗਤ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਵੇਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਭੱਬਾ ਗੱਗਾ ਤੇ ਤੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਭੱਬੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, ਭੱਬੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ, ਕਿ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੱਬੇ ਦਾ ਅਰਥ ਭਗਤੀ, ਗੱਗੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨੀ, ਤੇ ਤੱਤਾ ਅਖੀਰ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਿਆਗੀ, ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਭਗਤ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
गुरमुखो थोड़ी जी मानसिक तौर पर एकाग्रता जरूर बनायो, टिका बनायो। जिहड़ी बेनती मैं कर लगा करनी सी शब्द दी विचार है, पर यह शरूरी जरूरी सी कि आरंभ विच कि बाबा फरीद साहब ने भगत की परिभाषा दिती है। उंज गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च तीन थावां ते भगत वाहगुरु बाबा फरीद जी की बाणी आउंदी है। एक तो राग आसा विच उहनां दे शब्द ने, दूसरा गुरु ग्रंथ साहब के राग सोई विच उहनां दे दो शब्द ने, चार शब्द ने बाबा फरीद साहब के, उहनां दे शलोक ने। तीन थावां ते बाणी आई राग आसा विच, राग सूही विच, ते अखीर ते शलोक ने। पर इन्हां तिन्नां थावां ते गुरु अर्जुन देव जी ने उहनां दे नाम नाल भगत शब्द नहीं वरतिया। बाकी 14 भगत जिहड़े आ उहनां दे नाम नाल शब्द भगत आया, भगत कबीर जी, भगत नामदेव जी, भगत जयदेव जी, सारे शब्द आए। पर उत्थे उन्हां ने तीन जगह ते जिहड़ा सरलेख आया उत्थे शब्द भगत नहीं वरतिया, उत्थे महाराज जी ने शब्द शेख ही वरतिया, शेख ही वरतिया, शेख फरीद जी। पर बाबा फरीद साहब ने सब तो पहला अपनी रचना च परमात्मा दा भगत किस नूं कहिंदे आ, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी च जिन्ने भी नाम वरते गए ने, स्पिरिचुअल रूहानी नाम जिन्ने वरते गए ने, हर नाम की परिभाषा सतगुरु साहबान ने बाणी विच दित्ती है। भावें वह भगत शब्द है, भावां ब्रह्म ज्ञानी शब्द है, भावें साध शब्द है, संत शब्द है, जन शब्द है, हर जन शब्द है, सेवक शब्द है, दास शब्द है, गुलाम शब्द है, सिख शब्द है, गुरसिख शब्द है, गुरमुख शब्द है, सनमुख शब्द है। ये सारे शब्दों की महाराज जी ने बाणी विच परिभाषा दिती है कि ये कौन हुंदे ने। इसे तरह जेडे रूहानियत तो बेमुख ने उन्हां दीआं भी उदाहरण मारे ने, नाम लए ने, मनमुख किस नूं कहिंदे ने, साकत किस नूं कहा जांदा है, ये बेमुख किस नूं कहा जांदा है, ये सारे शब्द गुरदेव ने वरते। पर गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च सब तो पहला मैं बेनती जिहड़ी आज शुरू कीती है कि भगत कौन है। भगत का बड़ा वड्डा दर्जा है। बाबा फरीद साहब ने भगत के बेअंत गुणा विचों, क्योंकि एक गुण भगत का नहीं, बेअंत गुणा विचों तीन श्रोमणी गुण जिहड़े ने उन्होंने अपनी रचना विच दर्ज किए। यह बाबा फरीद साहब का श्लोक है, यह आरंभ हुंदा है कि मत खुंदी होए आना। भगत किस नूं कहिंदे ने, गुरु ग्रंथ साहिब विच भगत की परिभाषा की है, मत खुंदी होए आना। इहदा भाव कि भगत कोल शिखर का ज्ञान है, वह बड़ी उच्ची मत का मालिक है, पर उच्ची मत खोण के बावजूद भी भगत जिहड़ा है वह अपनी सियाणप का, रूहानी सियाणप का किते भी प्रगटावा नहीं करता। हकीकत वे उच्ची मत खोण के बावजूद भी हकीकत वे वह बच्चों की तरह ही विचरता पिया है। फिर इस बेनती सुनो, इस एयाणेपन का अग्ञानता अर्थ नहीं करना। मत खोंदी होए एयाणा, उहदे कोल सियाणप है, वह रूहानी सियाणप है, उच्ची मत का मालक है, पर कदी वह दावा नहीं करता। सचमुच वह बच्चों की तरह निर्मल है, बच्चों की तरह निरशल है, बच्चों की तरह निर्वैर है, बच्चों की तरह निर्दोख है, बच्चों की तरह वासना तो रहित है। भगत होवे कि उच्ची मत का मालक, पर न्याणियों की तरह वह विचरदा है। पहला गुण भगत का मत खुंदी होए आना, दूसरा उहदा गुण है तान खुंदा होए निताणा। उस कोल ताकत बड़ी, तान का अर्थ ताकत, शक्ति, बल। रब ने उहनूं शक्ति नाल इन्ना कु भरपूर किया कि परमात्मा इत्थों तक शब्द वरदे ने कि मेरी बांधी भगत छुड़ावै, बांधै भगत ना छूटै मोहे, एक समय मोको गए बांधै तौपुन मोपै जवाब ना खोए। पर गुरमुखो इन्नी ताकत होण दे बावजूद भी सच एवे भगत निताणा बन के रहिंदा है। महाराज दे बचन, महाराज ने फरमाया मत खुंदी होए आना, तान खुंदा होए निताणा। तीसरा उहदा लक्षण है अण खुंदा आप वंडाए। भगत उस नूं कहिंदे आ
कि जिस कोल मान लो थोड़े तो थोड़ी कोई चीज होवे उनु लुकाए ना, भगत होवे अणखुंदे नु थोड़े तो थोड़े नु यो वंड के खांदा है। जिवें असी गुरु नानक साहब जी बारे ये साखी सारे जानने, दास ने एक बार अर्ज की सी कि जे वंडन की बिरति रब दे दे ते बंदा सुकी रोटी भी वंड के खा सकता है, ते जे कब्जे वाली बिरती रब किसे नू दे देंदा है ते सच एवे बंदा खरबां पति हो के भी ढेला किसे नू वंडन वास्ते तैयार नहीं। हुण जदों महाराज गुरु नानक साहब जी दे घर दे तीन सुनहरी असूल ने जिन्हां दा जिक्र असी सारे करने, पहला असूल है नाम जपना, दूसरा शब्द असी वरतने किरत करना जा किरत करना नाम जपना, ते तीसरा शब्द असी वरतने वंड छकना। गुरमुखो किरत करना नाम जपना पहला है, वंड छकना बाद विच है। ये भी शब्द बहुत रहस्यमयी है। इहदा मतलब जो किरतकार करने उस विचों गुरु जी ने जो दसवंध किडे क्या है उस दसवंध नू तू वंड के छकन दा मुराद लोड़ वंध दी मदद करी। ते दूसरी गल जो तू नाम जपने जे तेरे अंदर परमात्मा दी बख्श दा भंडारा आ गया, जे किरत विचों मिले कोई धन नू तू वंड के छकने ते परमात्मा दी कीर्ति विचों जदों तेरा अंदर नाम नाल भरपूर हो जाए वो भी तिल किसे नू वंड के छकी। सच एवे भगत भगती भी वंडदा है। महाराज बाणी च एक बचन कुंदनी गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नाम है एक कणी। इत्थे बेनती करांगा जी कि महाराज सच्चे पातशाह जी उन्हां नू तिल दिता गया, कहने तुसी वंड के छकन की गल करदे हो, आ एक तिल है दसो इहनू वंड के किवें छकांगे। सतगुरु जी मुस्करा पए, हजूर ने फरमाया कि जे नीयत वंडन की होवे ते अणखोंदा आ वंडाए एक तिल भी वंडिया जा सकता है। हुण तिल बिल्कुल छोटा हुंदा बरीक, महाराज कहिंदे नीयत होवे ते सचमुच तिल भी वंडिया जांदा है। उन्हां कहा जी दसो सानू वंड के छकाओ सारिआं नूं। महाराज जी ने उसे वक्त जल मंगाया, उस तिल नूं महाराज जी ने रगड़ दिता, छोटा जिहा तिल सी उहनूं पत्थर ते रख के महाराज जी ने रगड़ दिता। जदों तिल रगड़िया गया बिल्कुल वो पाउडर जिहा बन गया थोड़ा जिहा, उस तिल दे पाउडर नूं चुक के जां उस रगड़े हुए तिल नूं चुक के बाबा जी ने पानी विच घोल दिता ते सारिआं जोगियां नूं कहा आओ आओ मैं तुहानूं तिल वंड के छकाना, उस तिल का पानी जिहड़ा चुली चुली सारिआं नूं दे दिता। कहण तो मुराद जे नीयत वंडन की होवे ते तिल भी वंडे जांदे ने, जे नीयत माड़ी होवे ते बंदा खरबां पति होके भी तिल जिन्ना नहीं वंडदा। फिर शब्द मैं रिपीट कर देना, नीयत होवे ते तिल भी वंडिया जांदा, जे बद नीयत होवे ते चेते रखो भंडार भरे होण ते तिल जिन्ना बंदा नहीं वंड सकदा। महाराज ने पहला भगत की परिभाषा यह दिती है कि मत खूंदी होए आना, ताण खूंदा होए निताणा, अण खूंदा आप वडाए, जिस कोले ये तीन रूहानी गुण ने महाराज कहते हैं कोई ऐसा भगत सदाए। इस करके मैं अर्ज करांगा कि जेड़ा शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच भगत आया है, यतन करो सी समाज नूं दस सकीए कि गुरु घर विच रूहानी जेड़े शिखर ते पहुंचियां आत्मावां ने उन्हां दा सन्मान किन्ना कूक है। सिर्फ एक गल होर कह के असी शब्द दी विचार वल आउने, क्योंकि 9 बजे तक पूर्व दे दिनां विच विचार चलदी है, अज भी 9 बजे तक आपां विचार करनी है। इस करके थोड़ा जा आरंभ च मैं ये लै लिया, आप जदों गुरु साहिब दी बाणी पढ़दे हो जिहड़े सहज पाठ करदे आ उहनां नूं पता है कि गुरु अर्जुन देव जी ने ना जी जदों गुरु साहिबान जी की बाणी शुरू हुंदी उत्थे शब्द महला वरत्या है। असी पढ़ने राग श्री राग महला पहला, उत्थे बिल्कुल नहीं लिखिया बाणी गुरु नानक देव जी की। सारी बाणी 17-19 रागां च गुरु नानक साहिब की बाणी है, पर 19 रागां च जिथे भी बचन आया महला आया, शलोक आया, शलोक महला आया, गुरु साहिब ने उत्थे पहला ही लिखिया है। गुरु अंगद देव जी दे 63 शलोक ने, 63 शलोकां विच किते भी शब्द नहीं कि बाणी गुरु अंगद देव जी की।
उत्थे महाराज ने शब्द वरत्या शलोक महला दूजा। गुरु अमरदास जी की सतारा रागों विच बाणी है, सतारा रागों विचों किसी राग विच गुरु साहब जी दे किसी शब्द उत्ते यह नहीं लिखा गया बाणी गुरु अमरदास जी की। शब्द आता है महला तीजा, आप पाठ कर दियो राम कली महला तीजा। इथे यह बिल्कुल नहीं लिखा कि आनंद साहब गुरु अमरदास जी का, मेरे कहने तो मुराद है तो आनंद साहब की विलखणता भी जे कि इन दिनों च शब्द आया आप वेखांगे। 40 पौड़ियां आनंद साहब दियां ने, पर खूबसूरती यह वे कि 40 पौड़ियां विच जिथे भी नानक पद आया सतगुरु ने हर नानक पद के थले औंकड़ दर्ज की है। आनंद साहब च विलखणता सब तो 40 थावां ते 40 पौड़ियों विच जे नानक पद आया आप जी पढ़ोगे उत्थे औंकड़ लगी। भावें विद्वान ये अर्थ ही करते हैं कि गुरु अमरदास जी फरमाते हैं। मैं बेनती करांगा गुरु रामदास जी की बाणी 30 रागां विच है, किते महाराज जी का निजी नाम नहीं उपर लिखिया। गुरु अर्जुन देव जी की बाणी 30 रागां च, गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी 15 रागां विच है, किते शब्द नहीं लिखिया कि बाणी गुरु तेग बहादुर जी की। गुरमुखो तवज्जो दिया जे, सच एवे कि गुरु ग्रंथ साहब दे विच 15 भगत ने। कबीर साहब अपने लिए शब्द वरते ने जात जुलाहा मत का तीर, रविदास साहब शब्द वरते ने कि कह रविदास चमार, भगत नामदेव जी शब्द वरते ने छिपे के जन्म काए को आया। पर मैं एक तुहानू बेनती करांगा पूरे गुरु ग्रंथ साहब च किते महाराज जी ने यह हैडिंग नहीं दिता कि बाणी कबीर जुलाहे की। वाहगुरु मेरी सिर्फ समझने लिए मैं बेनती कर रहा, किते भगत रविदास जी दे सरलेख चमार शब्द नहीं वरत्या। गुरु साहब ने सब तो वड्डी मध युग विच जेड़ी भारत विच क्रांति पैदा की, जिन्हां नूं लोक चमार छिंबा जुलाहा नाई यह शब्द वरदे सन, मेरे गुरु ने सब तो पहला बाणी लिखण लग्या इन्ना सन्मान दिता उन्हां दी शब्द वरत्या बाणी भगत कबीर जीओ की, बाणी भगत रविदास जी की, बाणी भगत नामदेव जी की। इहदा मतलब कि जिन्हां नूं भगती करन दा अधिकार नहीं दे रहा शास्त्र, सच एवे कि बाबा जी ने उन्हां लई शब्द वरत्या वह भगत ने परमात्मा दे। इन्हां 15 भगतां विच्चों सब तो पहला जिहड़ी बाणी आउंदी है वह भगत कबीर जी दी आउंदी है। उंज मैं बेनती करां, कबीर लफ्ज़ दा अर्थ असीं सारे ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਉਂਜ ਵੈਸੇ ਕਬੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਡਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਈ ਕਬੀਰ ਵਰਤਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਬੀਰ ਕਸਤੂਰੀ ਭਇਆ ਭਵਰ ਭਏ ਸਬਦਾਸ, ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਬੀਰ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐਬ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹਤੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਏਡੋ ਵੱਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਏਡੋ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸੇਗੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਿਆ, ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਚ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੁਲਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।